वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। यूं तो होली का दिन विवादों से भरा था, शहर में जगह जगह विवाद हुए हैं, लेकिन यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं होली के दिन थाना कंकरखेड़ा में महिलाओं के साथ हुई छेड़छाड़ का, जिसको लेकर पुलिस पर कार्रवाई न करने व पीड़ित महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप है। दरअसल रोहटा रोड निवासी कुछ महिलाओं से रंग लगाने के बहाने बदमाशों ने छेड़खानी की थी। ये हरकत होली के दिन सौरभ नाम के बदमाश ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर की थी। विरोध करने पर नशे में धुत दबंगों ने महिलाओं को जमकर पीटा भी था, जिसमें 3 माह की गर्भवती महिला का गर्भपात भी हो गया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की। घटना को 5 दिन बीत गए और अभी तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई। इंसाफ के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंची महिलाओं ने कंकरखेड़ा पुलिस पर तहरीर फाड़ने का आरोप लगाया है। सुनिए पीड़ित महिलाओं ने मीडिया को इस बारे में क्या बताया। मामला हुआ है आपके साथ? मामला ये हुआ, होली वाले दिन घर खेल रहे थे, एक सौरभ बदमाश रहता है मासिक, हमने बहुत सारे बदमाश बुला के रंग लगाने के बहाने बच्चों को बदतमीज करी, गोली चलाई, हमने मना करी तो लड़कों को घेर के मारा। कहाँ के रहने वाले हो? रोहटाबाद में प्रेम नगर कॉलोनी है, हम किराए पर रहते हैं। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई करी, पुलिस तो हम पे दबाव बना रही है और हमें हमारे गले बदतमीजी हो रही है। हमारी एप्लीकेशन, हम थाने गए तो हमारी एप्लीकेशन लेकर पाट दी। हमारी एप्लीकेशन कौन था ये मैं नाम से नहीं जानती सर उन्हें, पर मैं थाने गई, कहने लगी मेरे से अब तुम्हारे लिए 40 कॉस्ट्यूमर रखी हुई है तुम्हारे जैसे इलाज करने के लिए। वो हमारी बहू पेट में लात हुई, 3 महीने का बच्चा पेट में, जब तक तकलीफ चल रही है। ये मेरी लड़की से गिरा गिरा कर मारा, उनकी तो 3 साल, हम 3 साल कर सर, हम 3 साल कर सके, हम नई लड़ी हैं, हमारे में तमंचे नहीं कुछ नहीं, बाहर के बदमाश बोला हम तो गोली चलवा रहे हैं। वे वही बदमाश ने गोली चलाई, सौरभ ने 3 गोली चलाई थी सर, 3 गोली। फोटो है आपके पास? हमारे इन्होंने हमें इनकी दबंग पड़े चल रहा है, कोई वीडियो हमें नहीं दी इन्होंने, इनकी सीसी कैमरे की फोटो सफेद लगे हुई है, ले लो आप। इन्होंने इतनी बदतमीजी कर रखी, इतनी बदतमीजी करके हमें अब भी हमारा पीछा हंत करा इन लोगों ने, अगर कहीं चले जावे ना तो हमारी कोई पुलिस में सुनवाई है, मारने की धमकी दे रहे, पेट लड़का हमारा। कप्तान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि थाने मत जाना, अब तुम्हारी सुनवाई होगी, थाने मत जाना आप। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।